हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये डायंथस का वो प्लांट है जिसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो बनाई है और उसके ओवरव्यू के अंदर भी मैंने आपको इसकी ये प्लांट दिखाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। इसके जो फूल है वो सब स्पेंट हो चुके हैं, इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन सारी स्पेंट हो चुकी है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है, अभी इस पर मुझको उम्मीद है कि काफ़ी दिनों तक फूल आते रहते हैं, लेकिन मैं एक जगह गया हुआ था तो मैं इसकी केयर नहीं कर पाया, इसमें अच्छे से वाटरिंग नहीं हो पाई और इसको जो धूप का इसके ख्याल है वो भी नहीं रख पाया। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक या दो ही फूल आया हुआ है और सारे जो फूल हैं इसके स्पेंट हो चुके हैं। लेकिन अभी हमको उम्मीद है कि अगर हम इसके अच्छे से केयर करें, स्पेशल केयर करेंगे, तो इस पर दोबारा से हम फ्लावरिंग को स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि अभी इसका सीज़न जो है वो निकला नहीं है और हम इस पर उम्मीद करते हैं कि अभी इस पर दोबारा से फूल आ सकते हैं। तो इसमें हमको देखना है कि क्या हमको इसकी स्पेशल केयर करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं कि इस पर जो जितने स्पेंट फ्लावर्स हैं उनकी हमको पिंचिंग कर देनी है। ये जितने भी आप फूल देख रहे हैं जो सूख चुके हैं उन सबको हटा देना है, और जितनी सूखी ब्रांचेज या सूखी हुई इसकी लीव्स हैं उनको भी हमको इससे हटा देना है। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। तो मैं इन सभी को हटा देता हूँ। तो दोस्तों, जो स्पेंट्स फ्लावर्स थे वो हमने सब हटा दिए हैं, और अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम इसकी जो मिट्टी है उसको अच्छे तरीके से खोद देंगे और उसको बारीकी से खोद देंगे, जिससे कि इसकी के जो रूट्स हैं उनको डेवलप होने के लिए अच्छी जगह मिल जाए और इस पर अच्छी दोबारा से कलियाँ आ सकें। तो देखते हैं कि इसका सेकेंड स्टेप और उसके बाद हमको क्या करना है। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी को तो हमने अच्छे से खोद दिया है और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी मिट्टी बिल्कुल बारीकी से खोद दी है। अब हमको करना क्या है, हम इसके अंदर एक चम्मच DAP डालूंगा। DAP जो है फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि अगर हमारे प्लांट पर फूल नहीं आ रहे तो हम DAP का यूज़ में कर सकते हैं। मोस्टली प्लांट में, सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो सर्दी के प्लांट हैं उनमें DAP जो है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो एक चम्मच इसके अंदर मैं DAP डाल देता हूँ। तो ये एक चम्मच DAP मैं इस प्लांट के अंदर डाल देता हूँ। और फिर इसके बाद अब जो लास्ट स्टेप होगा वो हमारा वाटरिंग का होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो फर्टिलाइज़र है वो डाल देते हैं। तो देखिए, ये फर्टिलाइज़र है वो हमें एक ही जगह पर नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पूरे पॉट के अंदर चारों साइड में हमको ये डालना है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके पूरे पॉट में चारों साइड में डाल दिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, वो है हमारा वाटरिंग करना। इसके लिए हम इसमें प्लांट में अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देंगे और इस पूरे प्लांट के ऊपर एक बार पानी का अच्छे से शावर कर देंगे, और उसके बाद इसको हम लाइट शेड में रखेंगे जहाँ पर धूप बहुत कम आती हो, क्योंकि इस वक्त जो है धूप बहुत शार्प होती है, तो इसलिए वो जो लीव्स हैं उन पर बर्निंग आने लगती है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी जो पत्तियाँ हैं उनकी कोने वो जले हुए हैं, तो इसलिए अब हम इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, हमने जितने स्टेप थे वो सब पूरे कर लिए हैं। इस पर अच्छे से वाटर का जो शावर है वो भी कर दिया है, पानी भी अच्छे से हमने इसमें डाल दिया है। तो अब कुछ दिन के बाद का जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो इसकी केयर है उसमें और इसकी जो अब हालत है उससे इसमें कितना सुधार होता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये 8 दिन के बाद का रिज़ल्ट इस प्लांट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इस प्लांट की डेवलपमेंट हुई है, कितनी जल्दी इस पर फ्लावरिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है, और कि इस पर काफ़ी तादाद में फूल आने लगे हैं। ये देखिए, आप इस पर अपने पहले देखा होगा, इस पर तकरीबन 1 या 2 फूल इस पर रह गए थे और ये प्लांट बिल्कुल मरने की स्थिति में हो गया था, लेकिन अब जो है इस पर दोबारा से फूल आने लगे हैं और इसकी जो केयर है वो भी अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगा है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्लांट ऐसे है टाइम से पहले फूल देना बंद कर दे, टाइम से पहले उसकी जो लाइफ है वो स्पेंट हो जाए, तो आप भी उसको इस तरीके से दोबारा फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।